Good morning, everyone. Welcome back to my channel. सुबह के 3:35 हो रहे हैं। मैं सोई 2:30 बजे थी। फ्रेश अप होके लॉगिन करते हैं। लॉग इन कर रही हूँ। मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ है प्रॉपर नींद नहीं हुई। जल उभरी अजीब से। अभी टाइमिंग हो रहा है 3:53। मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। 3:57 हो रहा है, सॉरी। आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी नहीं होगा, लाइक क्लासेस वगैरह, क्योंकि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग बोली थी और 1 ही हफ्ते की हुई सिर्फ। दे आर इन अ हरी टू टेक सेशंस, सो आई एम नॉट क्वाइट फैमिलियर अबाउट इट। लेट्स सी कि क्या होने वाला है यहाँ पे। मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, इतनी शांति हुई थी तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती। कोई ईमेल नहीं है। मैंने मैसेज तो करा है मैनेजर को, मैम को, एकेडमी, बट सुबह की शिफ्ट में तो कोई जगह ही नहीं है। मैं ही एक जगह हुई हूँ बस, पता नहीं, नो आईडिया। जी के पढ़ लेती। अभी मेरी बात हुई है, मतलब जो लीड करेगी, बिकॉज मैं अभी तक बैठी हुई थी सोच के कौन मैसेज करेगा, कोई तो जगह हो। तो मैंने ग्रुप में, इन ग्रुप में डाला मैसेज कि इज़ देयर एनीवन, तो मुझे कनेक्ट हुआ, मतलब जिनसे, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट वाली जो मेरे कांटेक्ट में रहेंगी। और आज कोई सेशन वेशन नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला कि आज सिर्फ तुम जो ट्यूटर्स क्लासेस ले रहे हो उनको ज्वाइन करो और देखो, ऑब्जर्व करो सेशंस। कल से वो स्टूडेंट असाइन कर देंगी। और सुबह अभी 4:46 हो रहा है, 5 बजने वाले हैं और अभी तक इतना अंधेरा हो रहा है। और मेरे पेट में इतना अजीब सा हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। एक तो मैं 1 घंटे की नींद लेके उठी हूँ। मुझे पता था ऐसे होने वाला है, बिकॉज मुझे रात में वैसे भी जल्दी नींद नहीं आती है। 3:30 बजे तक मुझे नींद आती थी, और यहाँ पे 4 बजे जगने के लिए 3 बजे उठना पड़ता है, 3:30 मतलब उठना पड़ता है। और जब मैं सोई नहीं हूँ तो मैं उठूँगी कैसे। तो या इट्स ओके, जानबूझ के मैंने सुबह की शिफ्ट ली, बिकॉज मुझे पता था कि नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आती, टाइम वेस्ट मैं वैसे ही करती हूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं क्लासेस ले लूँगी और जल्दी सोने की आदत भी डल जाएगी। दिन में नींद ले नहीं सकती क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना होगा, तो शाम को जल्दी खुद ही नींद आ जाएगी, थक जाऊँगी। तो फिलहाल अभी तो मैंने चाय पी रही थी मैं, और मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाके थोड़ा देखूंगी नज़ारे, पर अभी तो इतना अंधेरा हो रहा है कि मैं कुछ नहीं देख सकती, सब अंधेरा दिख रहा है मुझे। तो तब तक मैं कुछ साइड बाय साइड अपना पढ़ाई भी कर लेती हूँ ताकि समझ में आए और टाइम भी पास। मैं सेशन के बीच में हूँ। बच्ची लेबोरेटरी नहीं बोल पा रही है। सुबह हो गई है। वेकी वेकी। सुबह हुई, देखो बाहर जाके देख के आते हैं। अभी मेरे घर में सब उठे हुए हैं, बिकॉज आज कुछ पूजा होने वाली है, बाहर जाएगी जो, उसके लिए सुबह उठ के मंदिर में पूजा करनी पड़ती है थोड़ी सी, फिर होती हैं चीज़ें। और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो you know,
बाहर का नजारा देख कर आते हैं। चलो लेट्स गो। किसका सूट है? ये देखो सूरज अभी भी नहीं आया, अभी सूरज भी नहीं उठे हैं और हम ठंडा हो रहा है सुबह सुबह। भूख लग रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा। मम्मी कह रही है कि जब तक पूजा नहीं आती तब तक नहीं खाना है गाइस। तो 10:44 हो रहा है, 7 बजे से क्लास रिज्यूम होगी मेरी, तो मुझे ब्रेक मिला ही था तो मैं नहा के आ गई हूँ। वो जो पूजा की बात मैं कर रही थी वो देख कर आती कि कुछ हो भी रहा है या फिर जस्ट, क्योंकि 7 बजे तक का ही ब्रेक है, उसके बाद मुझे वापस आना पड़ेगा काम पे। सो लेट्स चेक इट आउट। लेट्स भाभी क्या हुआ, डर लग रही? क्या हुआ? मम्मी सिवाई की वो ले आई है कुछ बना के, मैं भूख लग रही बड़ी जोर से। बैक अगेन, अभी फिलहाल 8:35 हो रहा है, देख सकते हो मेरा वर्क टाइम ख़त्म होने वाला है और मुझे आ रही है बड़ी जोरों से नींद। और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मेरा पेट जलन मार रहा था, जब मेरा खाना पेट में गया ना तब जाके मुझे सही लगा। तो अभी मुझे याद आया कि मुझे गर्द को वर्कशीट देनी है मैथ्स की, तो मैं वो उसको भेज दूँगी बिकॉज उसके एग्ज़ाम है कल मैथ्स का, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा जो आज का था मीटिंग सब खत्म हो गई है, कल बताएंगे वो जो भी होगा। अब तो मैं वो वर्कशीट जो है गुन्नू को भेज देती हूँ और उसके बाद सीधे सोने निकल जाऊँगी। मेरी बॉडी इतनी लेथार्जिक फील कर रही है अब। तो मिलते हैं आपसे, मे बी मैं दिन में उठूँगी तभी। अभी शायद मेरी जो है मैनेजर है वो मुझे कॉल करेगी 11:30 पे, तो मैं भी तब उठूँगी, मतलब जो भी है, मतलब देखते हैं। भाई मेरे पेट में ऐसी हो गई ना, नौ बजे से सोई थी मैं, 2 बजे तक 6 घंटे की नींद निकाली। मुझे अभी भूख लग रही है, फिलहाल मैं खाना खाऊंगी फिर ट्यूशन पढ़ाऊँ। मेरा लंच लेट, नॉट लेट मतलब जिम जाने का टाइम हो रहा है, 5:34 हो रहा है। कल छुट्टी थी तो आज हमें कल का और आज का जो है मसल ट्रेनिंग साथ में करनी पड़ेगी, तो हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं और आ जाएंगे टाइम से घर। ना मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में जलन हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। फिलहाल मैं मिलती हूँ रेडी हो के, रेडी बस मुझे शूज़ पहनना है और फिर चलते हैं। एक ही दूसरी शर्ट जो मैं लाई थी विशाल से, ये वो है। नाउ लेट्स गो, डोंट वांना लीव यू। पहुंची, मम्मी ने बना के रखे हुए गोलगप्पे, पहले फ्रेशन अप होती फिर खाऊंगी। मैंने अभी डिनर नहीं किया, मम्मी ने जो गोलगप्पे बनाए थे मैंने वही खाए हैं फिलहाल। और मैं अभी, मेरे को बहुत सारा काम है जो करना है, सुबह से पढ़ाई मैंने की नहीं है तो पढ़ने बैठती हूँ जब तक सोती नहीं हूँ, फिर उसके बाद सो जाऊँगी, फिर अगले दिन आपको बताइए वापस से। तो पढ़ने बैठती हूँ, मे बी डिनर दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, मैं सब कुछ ऐसे ही रैप अप कर दूँगी पढ़ने के बाद। चुका है अब मैं सोने जाती हूँ, टाइम से सोऊंगी तो टाइम से उठूंगी।
तो मिलते हैं आपसे मैं दिख नहीं रही हूँ ना, रुको, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।